कल हमारे पास थाने पे सूचना आई थी लेट नाइट कि कोई जमीनी विवाद में दो पक्षों में आपस में संघर्ष की स्थिति हो गई है, जिसमें एक व्यक्ति है वो गंभीर रूप से घायल है, जिनको हॉस्पिटल में लेके आया गया ट्रीटमेंट के लिए, जहां से आगे उनको जयपुर रेफर किया गया था। तो रास्ते में ही उनकी उन जो झगड़े में आई चोटें थी उस इंजरी से उनकी मौत हो गई थी। हमें अभी तक की जानकारी आई है, कल हमारे पास दिन में एक रिपोर्ट आई थी कि आपस में इन दोनों पक्षों के बीच में कोई मारपीट की स्थिति हो सकती है उस संबंध में। तो अब वो जांच के लिए भी दे दिया गया था तत्समय ही दर्ज करके। आगे जो भी इनके परिवेदना है, जो भी इनके आक्षेप है, उस पर भी हम गंभीरता से आगे देखेंगे। बट अभी हमारी प्रायोरिटी बेसिकली ये है कि जो भी इस घटना में संलिप्त हैं आरोपी, उन्हें हम जल्दी से जल्दी पकड़ लें। अभी तक हमने इसमें ट्रायल कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को डिटेन भी कर दिया। नहीं देखिए, हम जब से हमें सूचना मिली है तब से पुलिस बिल्कुल सदर और कोतवाली दोनों पुलिस बिल्कुल एक्टिवली ये मामले में कार्रवाई कर रही है। और जो भी मैंने जैसे बताया कि जो भी आक्षेप हैं परिजनों के, उसके बारे में हम अलग से बिल्कुल गंभीरता से देखेंगे आक्षेप। बट अभी हमारी प्रायोरिटी जो है विशेष जो नामजद मुलजिम बचे हैं उनके पीछे भी हमने टीम गठित कर दी है और उनको भी जल्दी हम अरेस्ट कर लेंगे।